हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बच्चे के जन्म के बाद की एक अहम क्रिया जो कि मालिश होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे के ग्रोथ में मालिश एक अहम भूमिका निभाती है। ये एक महीने का बच्चा है, इसको पहले मालिश कर लिया गया है अच्छी तरह से, अब एक्सरसाइज कराया जा रहा है। दोनों हाथ पकड़कर फिर दोनों पैर पकड़कर एक्सरसाइज कराया जाता है, इससे बच्चे का ग्रोथ बढ़ता है, अब बच्चा स्वस्थ रहता है। अब देखिए, अब दोनों एक हाथ एक पैर मिलाकर इस तरह से ऐसे किया जाएगा, अब फिर दोनों पैर को सर तक ले जाएंगे तो ये पैर भी सीधा होता है, अगर थोड़ा गड़बड़ी रहती है पैर में तो। अब ललाट में भी हम उसको जो है बाल रहता है उसको धीरे धीरे तेल लगाकर हाथ से बाल को हटाते रहते हैं, ललाट को ऊँचा हो। अब हथेली में मालिश पूरा किया जाता है, इससे बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है, अब बच्चा बहुत प्रेम से करवाता है मालिश। अब गले में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, सीने में मलेंगे, इस तरह से धीरे जब नाक में जो है ऐसे नुकीला करेंगे हम तेल लगा कर। इस तरह से बच्चे का मालिश खूब अच्छी तरह से किया जाता है। सुबह का मालिश इसी तरह से होना चाहिए, सरसों के तेल से या जैतून के तेल से इस तरह से मालिश किया जाता है। बच्चों की मालिश भरपूर समय लेकर करनी चाहिए। यह मालिश का तरीका बहुत पुराना है, ज़्यादातर लोगों को सही तरीका नहीं पता होता है, अथवा बच्चों के मालिश के फायदे से बहुत से लोग अज्ञात हैं कि बच्चे के जन्म के पश्चात उनके बनावट को मालिश के द्वारा और भी खूबसूरत किया जा सकता है। और यही कारण है कि मैं यह वीडियो उन सभी माता पिता के लिए लेकर आई हूँ जो बाहर काम करते हैं, और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए। और इसी के साथ आप सभी लोगों मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।